Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are enjoying the present DSS series which is going on. And in case you are, please do like the video and mention your views in the comment section below. If you want me to come up with a specific topic, then you can always feel free to message me in the socials. The link is given in the description below. And till then, keep watching and do subscribe to the channel. जब भी नाम सुनते हैं बबल फोर्ट का कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, एक एरे है, इसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं, कुछ रैंडम एक एरे में अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, 3, 1, 2, 5, 11, 27, ठीक है, ये एक अनसॉर्टेड एरे है. सिंस वी आर डूइंग सॉर्टिंग, हमें पता है कि हमें इस असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को एक सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम ये एलिमेंट देख रहे हैं और ये एलिमेंट देख रहे हैं. बेसिकली मान लो कि ये हमने ये वाला बबल ले लिया एक एडजेसेंट एलिमेंट्स का, और इन दोनों एलिमेंट्स में हम देख रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है. तो वो कैसे देख रहे होंगे, हम ऑब्वियसली इफ लूप हम एक चला रहे होंगे जिसमें हम देखेंगे इफ दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन दिस एलिमेंट, ऐसे करके. तो यहाँ अब ना मैं साथ में ना एक तो ये भी लिखती जाऊंगी ताकि जब मैं बता रही हूँ, क्योंकि सिंस मैंने अभी क्या बताया, तो मैं हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कंपेयर करने में क्या कर रहे होंगे, हम कोड में इफ लूप लगा रहे होंगे. इससे तुम्हें साथ साथ क्लियर होता रहेगा, एक बेसिक आइडिया, एक फ्रेम दिख जाएगा तुम्हें कि कोड किस तरीके से काम कर रहा होगा, ठीक है. एंड में हम देखेंगे ये ऑब्वियसली कोड रन करके भी. तो सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों एलिमेंट्स को कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है, ठीक है. और हमें पता है कि अगर हमें दिख रहा है कि ये एलिमेंट जो वन है, जो सेकेंड एलिमेंट है, ये छोटा है मेरे इस वाले एलिमेंट से, देन इट इज वेरी ऑब्वियस कि मुझे इन दोनों को स्वैप करना होगा. तो हमें ये भी समझ में आ गया कि इसके अंदर हमें लिखना क्या है. इफ मेरा सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन मेरा फर्स्ट एलिमेंट, देन आई नो कि मुझे एक जो भी कंडीशन लिखनी है वो बेसिकली ना स्वैप करने की होगी. तो इतना सा काम हो रहा है, बस हम बस चेक कर रहे हैं इफ सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, और उन्हें स्वैप कर देंगे अगर If this condition is true, अगर ये सही है कि ये मेरा second element is smaller than मेरा first element, तो obviously we will swap. यही काम हम सारे elements के लिए कर रहे हैं. पहले हमने इसके लिए check किया, उसके बाद हम इन दोनों के लिए check कर रहे हैं, उसके बाद हम इन दोनों के लिए check कर रहे हैं, ऐसे करके हम पूरी array के लिए check कर रहे हैं और find out कर रहे हैं कि कौन सा element बड़ा है. इसलिए हम हर बार actually एक bubble create कर रहे होंगे. मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 3 और 1 के लिए बनाया, वैसे ही वो बबल मेरा 1 और 2 के लिए, मतलब जब ये स्वैप हो जाएगा तो एक्चुअली वो 3 और 2 के लिए बन रहा होगा, क्योंकि हर बार ही हम कंडीशन चेक करेंगे और वो इम्प्लीमेंट कर देंगे. ये जो स्वैपिंग वाला काम है ये हो जाएगा. तो सेकेंड टाइम में मेरे सेकेंड टाइम में जब ये लूप रन होगी तो फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के लिए देखेंगे, उसके बाद इन दोनों एलिमेंट्स के लिए देखेंगे, फिर इन दोनों एलिमेंट्स के लिए देखेंगे. तो बबल जो नाम जहाँ से आया है बेसिकली बबल सॉर्ट, वो यही चीज़ है कि हम एक बबल फॉर्म करके देखते जा रहे हैं हर बार. और अब सेकेंड चीज़ क्या बोला मैंने बीच में, एक चीज़ बोली कि एक लूप रन हो रही होगी क्योंकि हमें हर बार एक इंडेक्स बढ़ा के अगले दोनों को देख रहे हैं, तो हमें ये भी पता है कि हमें फॉर लूप भी लगानी होगी. देखा जाए तो एक्चुअली बस इतना सा ही काम करना है हमें, समझे. बबल सॉर्ट जो काम कर रहा है वो बस इतना सा ही होता है कि हर बार हम एलिमेंट चेक कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं. अब गेटिंग इनटू द डिटेल्स, ये तो हो गया हमारा बेसिक आइडिया कि हो क्या रहा था, ठीक है. अब ये समझते हैं एक एग्जांपल लेके कि पूरे कोड में हमें हर बार एंड तक जाने की, एंड तक चेक करने की जरूरत है भी कि नहीं. अब यहां तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअली काम हो क्या रहा है ना, आया कि नहीं आया बताओ चैट में सब लोग मेंशन कर दो. यस आ गया, हमें आ गया दीदी, आ गया. अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है. एक मैं एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं. एक मेरे पास एरे है, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए 3, 2, 1, 7, 13, 27, ठीक है. रैंडम मैंने ये एरे लिया. अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो एक मैंने फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा,
ये वाला जो मेरा बॉक्स है ना, जीरोथ इंडेक्स का जो बॉक्स है, इसको आई मान लेते हैं, इसको मैंने वेरिएबल आई बोल दिया, ठीक है, और इसको जे बोल दिया। अब ऑब्वियसली हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तो दो वेरिएबल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब हो क्या रहा होगा, स्टेप वन में हमारा जो आई है ना, फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो के लिए चेक करते हैं। जब आई की वैल्यू जीरो है तब हम देखते हैं क्या होगा। मैं चेक कर रही हूँ, अब अभी तुम्हें समझ में आया एक्चुअली जो आई जीरो का मतलब क्या है, कि जब हमारी लूप फॉर द फर्स्ट टाइम चल रही है, फॉर लूप की कंडीशन जब मेरी फर्स्ट टाइम चलेगी तब मेरा आई पूरे टाइम जीरो रहेगा। क्यों रहेगा ये देखना अभी, क्योंकि जो मैं इफ कंडीशन लिख रही हूँ ना वो क्या है, इफ मेरे एरे का, अगर एरे का नाम ए आर आर है जो हम हमेशा रिज्यूम करते हैं, एरे का नाम ए आर आर है, इफ ए आर आर ऑफ जे इज लेस देन ए आर आर ऑफ जे माइनस वन। ये बात सबको समझ में आ गई। हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि मेरा ये जो सेकेंड ये वाला जो एलिमेंट है ये इससे छोटा है कि इससे बड़ा है। और हमें पता है कि अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी नो कि अगर मेरा j एलिमेंट इज ग्रेटर देन मेरा j इज लेस देन मेरा j माइनस वन, तो मुझे इन्हें स्वैप करना होगा हर बार। जब अगर ये दोनों सही ऑर्डर में नहीं है तो मुझे इन्हें स्वैप करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे, उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। अब पहली बार जब ये स्वैप हो गया तो मेरी एरे क्या बन जाएगी उसके बाद, थ्री नहीं सॉरी टू थ्री वन सेवन थर्टीन ट्वेंटी सेवन, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आई मेरा अभी भी जीरो है, ठीक है, और जे अब मेरा इसके बाद यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखी होगी, अब मुझे पता है कि हर बार मुझे जे को एक आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एवरी टाइम मुझे चेक करना है। अब मैं अगर जे को अपना इंक्रीमेंट करूंगी तो मेरा जे यहाँ पे आ जाएगा इस वाले एलिमेंट पे, और अब वो चेक करेगा ये वाला जो एलिमेंट है क्या ये इससे छोटा है या इससे बड़ा है, समझ रहे हो। आई हम यहाँ पे जीरो ही रखेंगे क्योंकि हम आई को काउंटर की तरह यूज कर रहे हैं चेक करने के लिए कि हमारी लूप कितनी बार रन हुई है। अभी जब हमारी लूप रन हो रही है वो मेरी फर्स्ट टाइम लूप रन हो रही है, और फर्स्ट टाइम लूप रन होने का मतलब है कि सबसे पहली बार जे पूरे को जब तक ट्रेवर्स नहीं कर लेता तब तक मेरा आई जीरो ही रहेगा। तो जब पहली बार रन हो रहा है तो एक्चुअली क्या हो रहा है, स्टेप वन के अंदर ही पूरा एक बार चेक होगा, और जो ये वाला जो एलिमेंट था सबसे पहले हमारी आ रही थी थ्री टू वन सेवन थर्टीन ट्वेंटी सेवन, ये दो एलिमेंट्स चेक हुए और ये हो गया टू थ्री वन सेवन थर्टीन ट्वेंटी सेवन। उसके बाद ये दो एलिमेंट्स चेक होंगे, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है हमें पता है थ्री बड़ा है, तो थ्री बाद में आएगा वन पहले आएगा, तो ये हो जाएगा टू सॉरी टू वन थ्री सेवन थर्टीन ट्वेंटी सेवन। फिर क्या होगा, ये दोनों चेक होंगे, अब क्या होगा टू वन इन क्या इन दोनों में स्वैप होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्वियसली हमें पता है ये तो अरेंज्ड ही है, थ्री पहले आएगा ही सेवन से, तो ये वाले दो एलिमेंट्स चेक होंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली जे अपने आप इंक्रीमेंट होगा, और फिर हम चेक करेंगे कि सेवन थर्टीन में स्वैप होगा कि नहीं होगा, पता है कि नहीं होगा, ऑब्वियसली थर्टीन बड़ा है, और उसके बाद ये चेक होगा थर्टीन और ट्वेंटी सेवन होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली फाइनल मेरा जो फर्स्ट लूप फर्स्ट पास के बाद पहली बार मेरी लूप रन होने के बाद ये आंसर है। अब ये आंसर में चेक करने वाली बात, पॉइंट टू बी नोटेड, हर एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद बबल सॉर्ट में क्या होता है कि मेरा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपने आप को अपनी करेक्ट पोजिशन पे अलाइन कर लेता है। इसको तुम हम किसी भी एग्जाम्पल के लिए अगर रन करके देखें, अगर हम सिंपल थ्री टू वन इसके लिए भी रन करके देखें तो हमें पता है ये दोनों चेक होंगे, टू पहले आएगा थ्री आएगा और वन आएगा, फिर ये दोनों चेक होंगे तो फिर टू आएगा वन आएगा थ्री आएगा, अल्टीमेटली थ्री ने अपनी करेक्ट पोजिशन ढूंढ ली। जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है फर्स्ट पास के अंदर, फर्स्ट टाइम जब मेरा आई इज इक्वल्स टू जीरो है, जब पूरी लूप रन हो रही है, तब हमारा जो थ्री है या फिर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजिशन पे यानी लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाता है। तो ये हमारी सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे नोटिस करनी है, तो इसको भी एज पॉइंट लिख लो कि आफ्टर एवरी पास
एवरी पास का मतलब है एवरी टाइम लूप रन्स वंस, ठीक है, आफ्टर एवरी पास दी एवरी पास में अभी हम सिर्फ आई इज इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, तो एवरी की जगह मैं बोलती हूँ आफ्टर फर्स्ट पास, आफ्टर फर्स्ट पास दी लार्जेस्ट एलिमेंट is at its correct position. Correct position का मतलब है last index वाली position, जो भी मेरा last index है उस position पर. अब second time में क्या हो रहा होगा ये answer अब हम यहाँ से start करेंगे. Step two में अब हम जा रहे हैं. Step one तक हमने देख लिया और अब हम जाते हैं step two में. स्टेप टू में क्या है, स्टेप टू में जब लूप हमारी सेकेंड टाइम रन होगी तब हम अपने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे होंगे और आई इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है. और ये मैं एग्जैक्टली ये चीज़ 2137 1327 ये हमारा आंसर आया था जब पहली बार लूप रन हो गई ना उसके बाद. अब फिर से वही चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चीज़ समझनी है, अब क्या मुझे लूप पूरे अपने सारे एलिमेंट्स के लिए रन करने की ज़रूरत है या नहीं बताओ. हमें ये बात पता है कि हमने ये बात अभी पिछले एग्जाम्पल में देख ली कि किसी भी वैल्यू की अगर हम ट्राई कर लें तो फॉर एवरी एरे हमारे फर्स्ट पास के बाद वी नो कि दी लार्जेस्ट एलिमेंट विल रीच दी लास्ट इंडेक्स यानी उसकी करेक्ट पोजीशन जहाँ पे वो सॉर्टेड होना चाहिए. तो अब हमें हर बारी पूरा चेक करने की जरूरत है ही नहीं. अब मुझे ये भी चाहिए कि जब ये इंक्रीमेंट हो तो ये भी चेक करें बिकॉज आई नो कि ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है. ठीक है, जब ये इंक्रीमेंट हो तो ये भी चेक करें बिकॉज आई नो कि ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है. तो इस बार जब हम चेक कर रहे होंगे तो हम अपनी सिर्फ इतनी एरे के लिए चेक करेंगे. ये हमें पता है इज एट इट्स करेक्ट पोजीशन. तो अब इस स्टेप में क्या हो रहा होगा, ये चेक होगा कि इज वन ग्रेटर देन टू और नॉट. तो 1 2 3 7 13 हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप. उसके बाद 2 और 3 चेक होगा, स्लैप होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ग्रेट. तो ये आ रहा ऐसी रह गई. अब 3 और 7 हो गया, इसमें चेक होगा कि नहीं होगा, स्लैप होगा कि नहीं होगा. उसके बाद 7 और 13 चेक होगा, फिर से नहीं होगा. एग्जैक्ट. तो बेसिकली स्टेप टू के अंदर हमें जो आ रहे मिली वो गई 1 2 3 7 13 यानी अभी फिलहाल हमारी आ रही शॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी आ. अब इसके अंदर सबसे पहली बात हमने समझी कि ये अब यहाँ पे एक एडवांटेज मिल गया हमें कि हमारी एरे जो है वो समवॉट सॉर्टेड है. जो हमने सबसे पहले ली थी उसमें ये तीन एलिमेंट्स हमें दिख रहा है पहले ही सॉर्टेड थे, इसलिए दो ही स्टेप में यानी दो ही स्वैप किए हमने, एक 3 और 2 वाला स्वैप किया, एक 2 और 1 वाला स्वैप किया और हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया. उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. तो बेसिकली दो ही स्टेप में मेरा काम हो गया. अदरवाइज मान लो अगर ये एरे पूरी अनसॉर्टेड होती या लाइक मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अलाइन होती तो बहुत सारे स्टेप चल रहे होते उस टाइम पे. वहां पे हमें ये भी समझ में आता कि एक सेकेंड स्टेप के बाद हमें अपने लास्ट दोनों एलिमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना उसने भी अपने आप को अपनी करेक्ट पोजिशन पे अलाइन कर लिया होगा. विच मीन्स कि इन बबल सॉर्ट, ये बबल सॉर्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरीके से होता है कि हर इवेंचुअली आफ्टर एवरी पास एवरी एलिमेंट कीप्स ऑन अलाइनिंग देमसेल्फ्स एट द राइट पोजीशन. अगर हमारा फर्स्ट पास है तो लार्जेस्ट एलिमेंट विल रीच इट्स करेक्ट पोजीशन, सेकंड पास में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट विल रीच इट्स करेक्ट पोजीशन, थर्ड पास में थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट विल रीच इट्स करेक्ट पोजीशन. ये बात समझ में आ गई सबको कि हर इवेंचुअली आफ्टर एवरी पास एवरी एलिमेंट कीप्स ऑन अलाइनिंग देमसेल्फ्स एट द राइट पोजीशन. अगर हमारा फर्स्ट पास है तो लार्जेस्ट एलिमेंट विल रीच इट्स करेक्ट पोजीशन, सेकंड पास में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट विल रीच इट्स करेक्ट पोजीशन, थर्ड पास में थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट विल रीच इट्स करेक्ट पोजीशन. ये बात समझ में आ गई सबको. तो कमिंग टू ये हमने समझ लिया आई इज इक्वल टू जीरो. अब ये जो आई था हमारा यहाँ पे ये बेसिकली नंबर ऑफ पासेस काउंट कर रहा है कि कितनी बार हमारी लूप चल रही है, ये उस चीज के लिए है. हर फॉर लूप हर बार जब हमारी फॉर लूप ना फर्स्ट काम करके कंप्लीट होगी आई हमारा उसी टाइम इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, अब ये चीज तो मैं यहाँ पे लिख भी सकती हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आफ्टर एवरी पास द कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट एलिमेंट कीप्स ऑन अलाइनिंग इटसेल्फ एट द करेक्ट पोजिशन. जो इम्प्लीमेंटेशन था हमारे बबल सॉर्ट का वो इतना ही है. यही चीज समझने की जरूरत थी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात
ये समझने की जरूरत है कि हर बार हमारा जो एक एलिमेंट है वो करेक्ट पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए टू रिड्यूस हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें हर बार पूरा पूरा चेक ना करना पड़े, हम एक एलिमेंट को यहाँ पे छोड़ देंगे, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे होंगे बिकॉज वी नो कि वो उसने अपने आप को करेक्ट पोजिशन पे अलाइन कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप में हमने 27 को छोड़ा था, सेकंड स्टेप में हम 13 और 27 दोनों को छोड़ रहे होंगे। और यहाँ पे 27 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अंडरस्टूड है कि हमें पता था कि ये राइट पोजिशन पे है, अदरवाइज यही एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड बार में हम ये 13 और 27 दोनों को छोड़ देंगे और फिर उसके आगे का चेक कर रहे होंगे। ठीक है, ये एक कंडीशन समझनी जरूरी थी। 27 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि हमें पता था कि ये राइट पोजिशन पे है, अदरवाइज यही एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड बार में हम ये 13 और 27 दोनों को छोड़ देंगे और फिर उसके आगे का चेक कर रहे होंगे। ठीक है, ये एक कंडीशन समझनी जरूरी थी।